सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम का यूज करके एक जीमेल अकाउंट कैसे बनाएं। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो पूरा देखो। तो ईमेल अकाउंट बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं क्रोम ब्राउजर। तो चलिए हम अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ राइट साइड अप कॉर्नर पर हमें डॉट डॉट करके कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें ढेर सारे गूगल एप्स देखने को मिलेंगे और यहीं पर हमें जीमेल ऐप देखने को मिलेगा। सिंपली हम इस पे क्लिक करके इस जीमेल ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो इसका इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर आपने कभी भी जीमेल आईडी इसमें लॉगिन नहीं किया है तो हो सकता है थोड़ा अलग दिखे, बट उससे हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस अपना अकाउंट इसमें साइन इन करना है क्रिएट करके। तो इसके लिए हम यहाँ राइट साइड अप कॉर्नर पर देखेंगे, यहाँ पर हमें मैन सिंबल दिखेगा अगर हम कोई जीमेल आईडी लॉगिन नहीं किए रहेंगे तब। बट मैंने इसमें अपना जीमेल आईडी लॉगिन किया है इसलिए यहाँ वी लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एड एन अदर अकाउंट या यूज एन अदर अकाउंट, जो भी दिखे हमें इस पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आएगा ईमेल आईडी लॉगिन करने के लिए, बट हमें यहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला फॉर माई पर्सनल यूज, दूसरा फॉर माय चाइल्ड और तीसरा फॉर माय वर्क और माय बिजनेस। तो हम अपना ईमेल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ से पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पर्सनल यूज वाला, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पहले वाले बॉक्स में हमें अपना नेम लिखना है और दूसरे वाले बॉक्स में आप चाहो तो अपना सरनेम लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, ऑप्शनल है, कुछ भी करो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। और यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पहले वाले बॉक्स में डे डालना है और दूसरे वाले में मंथ और तीसरे वाले में आपको ईयर डालना है। और इसके नीचे हमें जेंडर का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से हमें मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, आप जो भी हो सेलेक्ट कर लेना, मैं यहाँ से मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये आ गया फाइनल स्टेप। यहाँ से आपको अपना ईमेल आईडी क्रिएट करना है, जो भी आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हो वो यहाँ पर टाइप करो। तो चलिए जो ईमेल आईडी हम बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये लिख रहा है सॉरी ओनली लेटर ए टू जेड, तो यहाँ पर ये नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए। तो मैं जो ईमेल आईडी क्रिएट कर रहा हूँ उसमें मैं नंबर टाइप किया हूँ, तो मैं इसे हटा देता हूँ और इसके जगह पर लेटर में कुछ लिख देता हूँ और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो अब ये आगे आ गया और यहाँ से हमें अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड क्रिएट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल देते हैं। ध्यान रहे कि आपको दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड टाइप करना है एंड उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और आप चाहो तो सो पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड भी देख सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पासवर्ड डालने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें ये रिकवरी ईमेल डालने के लिए बोला है, तो हम इसे अभी नहीं डालेंगे इसलिए स्किप पर क्लिक करते हैं। और जो भी ईमेल आईडी हमने बनाया है वो ईमेल आईडी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, अब गूगल पॉलिसी एंड टर्म्स को आई एग्री करना है एंड फाइनली आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट होके आपके जीमेल ऐप में लॉगिन हो जाएगा और आप जहां चाहो ये ईमेल आईडी साइन इन कर सकते हो। गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।